हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किए थे, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वहाँ पर बोला हुआ है कि जो भी यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया गया है, वहाँ पे फंक्शन क्या आपको दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है, सतत दिया हुआ है। तो आपको m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा मैंने एक आपको एग्जांपल भी बताया, जो 6.1 का जो सिक्स्थ एग्जांपल है वो भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है। वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से कुछ गिवन था। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, 4 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक और एम की इक्वेशन जब अपन 4 पे कंटिन्यूटी को अपन मान के चलेंगे कि 4 पे कंटिन्यूस है और 2 पे कंटिन्यूस है, तो मतलब उन्होंने तो बोला है कि जो गिवन फंक्शन है ना वो क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है। तो अपन जो काम काम की डेफिनेशन है वो उठा लेते हैं, जैसे 2 को ले लेते हैं और 4 को ले लेते हैं। तो 2+h, 2-h और 2 पे करेंगे तो m और n की एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये सतत है, कंटिन्यूस है। तो आर एच एल, एल एच एल और एफ टू की वैल्यू सेम होगी, और सेम पैटर्न करेंगे अपन 4 के लिए। 0 और 6 पे अपने को दो दो डेफिनेशन मिल रही है, एक डेफिनेशन मिसिंग है। यहाँ पे देखो, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी लेस देन मतलब सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू पे डेफिनेशन मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने पास 0-h नहीं है, यहाँ पे अपने पास 6+h वाली नहीं है, और उसको करके अपने को कुछ करना भी नहीं है। तो अपन केवल 2+h, 2-h और 2 पे, 4+h, 4-h और 4 पे करेंगे। मतलब 2 पे और 4 पे दोनों जगह अगर अपन कंटिन्यूस मान के चल के इसको काम करेंगे तो 2m और n की इक्वेशन बन जाएगी, उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8x = 2, फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो आर एच एल, एल एच एल और एफ टू की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और सेम पैटर्न अपन अप्लाई करते हैं 8x = 4 पे, यहाँ पे आर एच एल, एल एच एल और एफ फोर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 के लिए आर एच एल कैलकुलेट करता हूँ। आर एच एल कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f 2+h, 2+h लिमिट h टेंस टू 0। देखो अब 2+h 2 से ज़्यादा के लिए x की वैल्यू क्या ग्रेटर है, किससे, 2 से। उस कंडीशन में क्या, 4x-1, तो 4x-1 x की जगह क्या पुट करना है, 2+h। तो लिमिट h टेंस टू 0, 4 को 2 से करोगे तो 8+4h-1, तो 8-1 क्या हो जाएगा, ये 7, तो 7+4h आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और इसी तरीके से एल एच एल करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 f 2-h, लिमिट एच टेंस टू 0। 2-h के लिए जब अपन बात करेंगे तो लेस देन 2 के लिए डिफाइन है x² + mx + n, तो x² की जगह आएगा 2-h² + mx है, तो 2-h + n, ठीक है। h और n में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। h को ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और n ऐसे लिखा ही है। इसको सॉल्व करेंगे अपन लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा सॉरी, इसमें अगर अपन लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पे मैंने लिमिट पुट नहीं की, जैसे अपन h की लिमिट 0 पुट कर देंगे तो आपको आर एच एल कितना मिल जाएगा, 7, ठीक है। और इसमें भी आप चाहो तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो h बन नहीं रहा। तो 2² 4m और ये हो जाएगा 0, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2m + n। आर एच एल, एल एच एल पता चल गया, और अब एफ टू भी कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। 2 पे जो सेंटर वाली है 4x-1 वही डिफाइन होगी, तो 4 × 2 8-1, यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास, 7 आएगा, ठीक है। तो आर एच एल, एल एच एल और एफ टू को इक्वल करने से देखो क्या क्या होगा, 7, ये 7 तो इक्वल है, तो 4+2m + n = क्या हो जाएगा, 7। आर एच एल की वैल्यू 7 है, एल एच एल की वैल्यू 4+2m + n है, और ये भी 7 है, तो एक इक्वेशन बन गई। अब 7 यहाँ से तो हटा देते हैं, मतलब 4+2m + n को 7 के इक्वल करना है, बस इतना सा है। 2m + n है, यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3। तो आपको एक कंडीशन मिल गई, 2m + n = क्या आ रहा है, 3। ये कैसे मिली, जब आपने x = 2 पे इसकी कंटिन्यूटी को मतलब x = 2 पे आप कंटिन्यूस लेके चल रहे हो तब, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये बन गया आपके पास 2m + n = 3 व्हेन फंक्शन कंटिन्यूस 8x = 0, क्लियर। अब इसको कर देते हैं रफ, थोड़ा सा काम ज़्यादा करना है और काम कुछ भारी नहीं है, मतलब कुछ हार्ड जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ के बस अप्लाई करना है पैटर्न। अब अपन बात करते हैं x = 4 पे, ठीक है। तो 4 पे आर एच एल कैलकुलेट करता हूँ, तो लिमिट एच टेंस टू 0 f 4+h करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, 4 से ग्रेटर के लिए, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, तो क्या आएगा, mx² + 17n,
एम एक्स स्क्वायर प्लस 17 एन, ठीक है। एक्स की जगह क्या पुट करना है, 4 प्लस h, और h की लिमिट जैसे ही आप 0 पुट कर दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा, 4m प्लस 17n। क्लियर। अब एल एच एल की वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, f 4 माइनस h। अब 4 से छोटे के लिए, 4 माइनस h के लिए देखेंगे तो x की वैल्यू क्या, लेस देन 4 है, तो 4 यहाँ पे पुट करेंगे अपन, तो ये क्या होगा, 4 इंटू 4 माइनस h माइनस 1, तो 4 इंटू 4 16, ठीक है, माइनस h, अब यहाँ लिमिट 0 पुट कर देंगे तो 16 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा आपके पास, 15। यही लिख देता हूँ डायरेक्ट, में क्या आ जाएगा आपके पास, 15। क्लियर है। उसी तरीके से आप अगर आप f 4 भी निकालना चाहो तो इक्वल टू 4 पे भी यही वाली डेफिनेशन है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1, तो ये भी क्या आएगा आपके पास, 16 माइनस 1 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 8x इक्वल टू 4 पे भी कंटिन्यूस है, तो आर एच एल, एल एच एल और एफ फोर की वैल्यू को इक्वल करेंगे तो एक इक्वेशन और बन जाएगी, 4m प्लस 17n इक्वल टू 15 इक्वल टू 15, तो एक ही बात है, एक ही 15 ले लेता हूँ, तो ये एक इक्वेशन बन गई। जब 2 पे अपन ने कंटिन्यूस किया तो ये बन गया, और 4 पे किया तो ये बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके एम और एन की वैल्यू निकालनी है अपने को। यहाँ पे है 4m प्लस 17n इक्वल टू 15, यहाँ पे 2m प्लस n है, ठीक है, तो यहाँ पे 4m है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये 4m प्लस 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, तो माइनस माइनस माइनस, ये 4m से 4m कैंसिल, 17n माइनस 2n तो क्या हो जाएगा, 15n, और यहाँ पे आपके पास बना है 15 माइनस 6, तो यह आ जाएगा 9। तो n की वैल्यू को अपन इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब आर एच एल अपन 4 पे काउंट कर रहे थे, 4 प्लस h का होल स्क्वायर करा था, h की लिमिट तो 0 हो गई थी, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, तो यहाँ पे 4m आने की बजाय क्या आएगा, 16m आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ी सी जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई थी, 4 प्लस h का होल स्क्वायर किया, तो h की लिमिट तो 0 हो गई लेकिन 4 का स्क्वायर तो 16 होगा ना, तो 16m आ जाएगा। तो एक मिनट, इनको अब दोबारा सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन अपने पास बनी यहाँ से, 16m प्लस 17n इक्वल टू 15, और यहाँ पे 2m प्लस n इक्वल टू 3 है ना, तो 2m को जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा मैं 8 से तो 16m बनेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 16m, और 8 को n से करूँगा तो क्या बनेगा, 8n, और 8 को 3 से करूँगा तो 24, ठीक है। अब काम करना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने जल्दीबाजी में 4 का स्क्वायर नहीं करके केवल 4m ही लिख दिया था, तो 16m होगा, ठीक है। अब माइनस माइनस और माइनस करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 17n माइनस 8n करेंगे अपन, तो 17 में जैसे ही 8 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 9n, और 24 माइनस सॉरी माइनस का 24 है, और यहाँ पे क्या आपके पास 15n है, तो आपके पास वैल्यू क्या आने वाली है, 24 माइनस 15 कर देंगे तो 5 और 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 9, तो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -1, ठीक है ना। n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे -1। आगे n की वैल्यू जब -1 आ गई तो उसके बाद में अपने को m कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू बनी -1। तो यहाँ इन इक्वेशन में, बड़ी इक्वेशन में पुट नहीं करके छोटी वाली इक्वेशन में मैं n की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, n की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, -1, तो -1 ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा तो क्या होगा, +1, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास, 4, और m की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 2। तो इन दोनों इक्वेशन में आप n की वैल्यू -1 और m की वैल्यू 2 पुट करके देख भी सकते हो, ये दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, ठीक है। यस, तो कंटिन्यूटी के लिए आपको पता होना चाहिए आर एच एल, एल एच एल और एफ 0 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि एक्स इक्वल टू 0 पे आपको 1 मिल रहा है, तो आर एच एल और एल एच एल भी आपका क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, तभी ये इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इतनी सी बात तो आप क्वेश्चन को देख के एनालिसिस कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको जानबूझ के टेन अपॉन साइन गिवन है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप इनको सॉल्व कर लो, टेन को लिखो साइन अपॉन कोस, और साइन तो साइन है ही, तो आपको मतलब देखो इजीली अगर टेन अपॉन साइन गिवन है तो इनमें भी काम कर सकते हो। और ये वाला जो अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, वो सेम कॉन्सेप्ट टेन में भी बनता है,
टेन एक्स अपॉन एक्स होता है, ठीक है। ये इलेवंथ में भी मैंने आपको बता रखा है, डीएल से करके देख सकते हो, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन, फिर लिमिट पुट करोगे तो आपको वन ही मिलेगा, नहीं तो टेन के जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, प्रसार का जो सूत्र है वो अप्लाई करके करोगे, तब भी वैल्यू क्या आएगी, वन ही आएगी। अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हो तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो टेन को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन अपॉन कोस, और अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है, साइन। तो जैसे ये कोस नीचे ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, साइन अपॉन साइन इंटू कोस, ठीक है। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, वन अपॉन कोस क्या बनेगा, सेक। तो क्वेश्चन में ये चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे टेन अपॉन साइन क्या हो गया, सेक। अगले स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो फिर साइन टेन अपॉन साइन करके करोगे तो ये वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, क्यों, टेन एक्स अपॉन टेन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेन टेंस टू जीरो पे भी ये वन होगा, और साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, वन ही होती है। तो दोनों में ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, अगर वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है तो मैंने इसको चेंज कर लिया किसमें, सेक में, ठीक है। तो यहाँ पे आरएचएल कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो पे यही आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, सेक जीरो प्लस एच। तो फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पे सेक एच बनेगा, और लिमिट एच टेंस टू जीरो है तो जैसे ही आप लिमिट पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक जीरो। अब सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो सेक की वन अपॉन वन, सेक की भी क्या मिलेगी, वन ही मिलेगी आपको। साइन का और टेन का अब इसमें लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने साइन टेन अपॉन साइन को सॉल्व करके सेक लिख दिया, कोई गलत नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी लगे, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे करोगे तो जीरो माइनस एच पे भी यही डिफाइन है, तो सेक जीरो माइनस एच आएगा। अब दिक्कत हो सकती है बहुत सारे स्टूडेंट को माइनस एच की, तो कोस और सेक क्या होता है, इवन फंक्शन, वो माइनस को खा जाते हैं ना, सम फलन होता है उनके साथ, माइनस अपने आप ही क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, सेक माइनस एच बना, लेकिन सेक माइनस को खा जाएगा तो प्लस एच, जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा, सेक जीरो, और सेक जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन। तो आर एच एल भी वन है, एल एच एल भी वन है, और एफ जीरो पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका एफ एक्स क्या देगा, वन देगा, क्लियर है। तो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू क्या मिल रहा है, एफ जीरो, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना, सतत होगा, यही अपने को बताना था। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि अभी तक जब अपने पास मॉडुलस फंक्शन आया था तो आपके पास इस टाइप की कंडीशन थी, जैसे मिसलेनियस इसमें देखी तो x मोड x, या फिर आपके पास बन रहा था x प्लस मोड x, या फिर दो मोड आपके पास, जो 6.1 में आपके पास एग्जांपल है, या 6.2 में जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है मोड x प्लस मोड x माइनस वन, ऐसे क्वेश्चन बने थे। तो जब भी मैंने आपको बोला था मोड आ गया आपके पास, मापांक फलन आ गया, मॉडुलस फंक्शन आ गया, तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे फंक्शन भी बना के दिया हुआ, उस फंक्शन के अंदर क्या दे रखा है आपको, मोड x माइनस थ्री, और 8x इक्वल टू 3 पे और 1 पे आपको बोला है कि आप चेक करके बताओ कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो यार मोड आते ही ना फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन ध्यान रखो कि लेस देन इक्वल लेस देन एक्स लेस देन वन पे आपको एफ एक्स गिवन है, और ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे मोड एक्स माइनस थ्री है। तो अब इसको फंक्शन को अपन इसकी डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं, वन पे और थ्री पे बताना है। तो आपको याद होगा मैंने आपको हमेशा बताया था कि आप हमेशा ऐसे लिख लिया करो कि भाई वैल्यू किस पे बतानी है, वन पे और थ्री पे बतानी है। तो एक तो क्या हो गया लेस देन वन, एक क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो लेस देन थ्री, और एक क्या हो जाएगा लेस देन थ्री, और एक क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। इस तरीके से आपकी डेफिनेशन बन के सामने आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मोड एक्स एक्स माइनस थ्री की भी डेफिनेशन बनाते हैं मोड एक्स की डेफिनेशन से। एक बार एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव होगा और एक बार एक्स माइनस थ्री नेगेटिव होगा। कब, तो एक्स माइनस थ्री की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और एक्स माइनस थ्री की वैल्यू लेस देन जीरो है, ठीक है ना। अब थ्री को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या हो जाएगा लेस देन थ्री, और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री। तो देखो मोड एक्स माइनस थ्री की भी आपको डेफिनेशन पता चल गई। अब उसके हिसाब से अपन अपना फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, फिर वन पे भी बहुत इजीली चेक कर सकते हैं और थ्री पे भी चेक कर सकते हैं। एक्स लेस देन वन पे तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्या आएगा, तो उसमें तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स अपॉन टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू वन है और लेस देन थ्री है। अब देखो
लेस देन थ्री पे और ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे। लेस देन थ्री पे मोड एक्स माइनस थ्री में से क्या निकल के आ रहा है, माइनस एक्स माइनस थ्री। अब माइनस एक्स माइनस थ्री है तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस थ्री, क्लियर। और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री पे बात करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री पे आपको क्या मिल रहा है, एक्स माइनस थ्री। तो इस तरीके से अपन ने क्या करा, जो क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा था उसके अंदर आपको मोड दे रखा था, मॉडुलस फंक्शन दे रखा था, तो उसको काम में लेके मैंने डेफिनेशन बना ली। और ये डेफिनेशन किस पे कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिटेल में अपन बात कर चुके हैं, 6.2 में भी बताया था मैंने, ठीक है, और अभी भी बता ही रहा हूँ, वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो अब ये आपका नया फंक्शन है, इसके लिए अपन इनकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि कैसे अपन काम करेंगे, ठीक है। तो वन पे भी चेक करना और थ्री पे भी चेक करना है। तो अब ये आपका एफ एक्स बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस थ्री एक्स अपॉन टू प्लस थर्टीन अपॉन फोर। यार वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है यार, अगर कोई मतलब आपको काम की चीज़ देखनी है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी देखना है, आई थिंक दिख साफ रहा है, समझ में सब कुछ आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ना तो कोई डिजिटल बोर्ड की या ग्रीन बोर्ड की ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काम की चीज़ आप कहीं भी कैसे भी देख सकते हो और यूट्यूब पे तो सब फ्री है। तो यार लाइक कर दो, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे और ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँ, ठीक है। तो अपन काम करते हैं 8x = 1 पे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आर एच एल की, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 1+h, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो 1+h, वन से बड़े के लिए जब अपन बात करेंगे, 1+h के लिए देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, 1 से ग्रेटर कौन है, तो यहाँ पे दिख रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस थ्री। और माइनस एक्स प्लस थ्री है तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 1+h। तो h की लिमिट जैसे ही जीरो होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1+3, तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, 2, ठीक है। ऐसे एल एच एल के लिए काम करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 1-h बनेगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। एक से छोटे के लिए देखेंगे तो क्लियरली एक्स लेस देन वन पे, ये तो फंक्शन में गिवन था, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर है तो 1-h का होल स्क्वायर अपॉन फोर, माइनस थ्री एक्स है, ठीक है। तो एक्स की जगह 1-h अपॉन टू, और फिर है 13 अपॉन फोर, है ना, हाँ 13 अपॉन फोर, ठीक है। अब h की लिमिट जैसे ही मैं जीरो पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन फोर। यहाँ पे h की लिमिट जीरो पुट करते ही तो 3 × 1, तो ये -3/2 प्लस 13 अपॉन फोर ये बन जाएगा, ठीक है। अब 4 का ले लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 14-6 हो गया, तो 8 अपॉन फोर, फाइनली फिर से क्या मिल गया अपने को, 2। अब रही बात एक्स इक्वल टू 1 पे, मतलब एफ 1 की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस थ्री है, तो माइनस 1+3 करेंगे तो 3-1 क्या आएगा, 2। यस, तो एक्स इक्वल टू 2 पे आर एच एल एल एच एल और एफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या है, इक्वल है, सेम है, क्लियर है। तो एक्स इक्वल टू सॉरी 2 पे बोल रहा हूँ मैं, 1 पे, 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इसी तरीके से काम करते हैं अब 3 पे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पे चेक करना है, तो 1 पे तो कंटिन्यूस आया है, अब देखते हैं 3 पे क्या बनता है। 3 पे आप देख सकते हो क्लियरली मोड की डेफिनेशन बनी हुई है, ठीक है। तो मोड मतलब अगर मॉडुलस फंक्शन की मापांक फलन की बात करें तो वो कंटिन्यूस होता ही है, फिर भी अपना फर्ज बनता है, क्वेश्चन ने पूछा है तो करके बताएं। 8x = 3 पे तो आर एच एल करते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ 3+h, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, है ना। 3+h के लिए बात करते हैं, 3 से ज़्यादा के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x माइनस 3 आएगा, तो यहाँ पे पुट क्या करना है, 3+h - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू पे 3 ही आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3+h - 3, तो h की लिमिट जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 3-3 क्या मिल जाएगा आपको, 0, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं एल एच एल पे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 3-h, 3-h पे लेस देन 3 पे आएगा माइनस एक्स प्लस थ्री, ठीक है। x की जगह क्या पुट करना है, 3-h, तो जैसे h की लिमिट 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 और +3, फाइनली फिर क्या मिल जाएगा, 0,
और एकदम एग्जैक्ट थ्री पे बात करते हैं तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री पे एक्स माइनस थ्री आएगा। एक्स की जगह थ्री पुट करोगे तो थ्री माइनस थ्री क्या मिलेगा, जीरो। तो जीरो 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 मतलब आर एच एल, एल एच एल और एफ थ्री, आर एच एल, एल एच एल और एफ थ्री, ये तीनों वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि एक्स इक्वल टू थ्री पे भी आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है यार। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन थे सारे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था तो इसमें अपने को डेफिनेशन बनानी थी, जो अपन ने पिछले वाला क्वेश्चन करा था, 13 क्वेश्चन करा था, उसमें एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जहाँ पे वो दो जगह आपको क्या दिया हुआ था, कंटिन्यूस दिया हुआ था। वहाँ पे पूरी फंक्शन की डेफिनेशन बनी हुई थी, तो दो जगह से अपन उसकी कंटिन्यूटी, संततता की बात करेंगे तो वहाँ पे दो एम और एन की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे से अनअकैडमी भी पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे साथ फ्री लाइव क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। आपको बस प्ले स्टोर से अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है, फिर मेरे प्रोफाइल वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करना। 80 प्लस लाइव क्लासेज मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड भी कर रखी है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो, लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो फ्री में, ठीक है। थैंक यू सो मच।